हेलो फ्रेंड्स, एस हेलोकार यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं स्कोडा रिपीट के बारे में। ये गाड़ी में एंडबुल जेंट देख सकते हैं कितना प्ले है। लिंक रोड भी चला गया है, इसको खुल के रखे हम लोग। स्टीयरिंग रैक भी चेंज कर रहे हैं, स्टीयरिंग रैक में बहुत ज़्यादा साउंड आ रहा है। अब चार्सी उतारने वाले हैं, इसका गियरबॉक्स का भी काम करने वाले हैं। क्लच प्लेट फेदर प्लेट बहुत हार्ड हो गया है, देख सकते हैं। बैटरी वगैरह हम लोग निकाल के रख चुके हैं। राइट साइड का भी यही हालत है, राइट लेफ्ट में एंडबुल जेंट पूरा चला गया। आडम का बूस्ट चला गया है पूरा, आडम को भी रिप्लेस करेंगे। शक अब्जर देख सकते हैं ऊपर नीचे कैसा हो रहा है, देख सकते हैं। ब्रेक पैड्स पूरा रिप्लेस करने वाले हैं। जो जो रिप्लेस होएगा आपको मैं दिखाता हूँ। कोई सस्पेंशन में, फ्रंट सस्पेंशन में बहुत ज़्यादा साउंड है। सस्ते में किस तरीके से सस्पेंशन चेंज करना चाहिए दिखाएंगे आप। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं कि हमारा स्टीयरिंग रैक है, इसके लिए पूरा चार्सी उतारना होता है, देख सकते हैं। इधर भी देख लीजिए, चार्सी निकाल दिया हम लोग। ये हमारा स्टीयरिंग रैक, इसका बॉल खोल दिया हम लोग पहले ही, देख सकते हैं। एंड का हालत पूरा लूज हो रहा है, राइट साइड लेफ्ट साइड पूरा एंडबुल जेंट चला गया, देख सकते हैं। राइट साइड का भी यही हालत है, और साउंड भी करता है, देख सकते हैं। पकड़ पकड़ो, साउंड कर रहा है, देख सकते हैं। अभी इसको रिप्लेस करने वाला हमें, आरम भी चेंज करने वाले हैं हम लोग। आरम का बूट फट गया है, बुश फट गया है, देख सकते हैं। लिंक रोड भी चेंज करने वाले हैं। न्यू पार्ट्स आने के बाद दिखाता हूँ आप लोगों को। देख सकते हैं गियर बॉक्स हो गया ओपन, इधर देख सकते हैं कि अब बाहर आ चुका है। इधर से भी देख लीजिए, चार्सीस वगैरह पूरा उतार दिया हूँ, सस्पेंशन का पूरा काम करना है। अब क्लच प्लेट फेदर प्लेट को निकालेंगे, देख सकते हैं फ्रेंड्स। हमारा फेदर प्लेट क्लच प्लेट खोलने का प्रोसेस चालू हो गया। देख सकते हैं फ्रेंड्स, हमारा क्लच प्लेट बाहर आ चुका है। क्लच प्लेट का हालत देख सकते हैं, जल गया है पूरा। फेदर प्लेट में देख सकते हैं एज कैसा है, फेदर प्लेट भी चला गया, फुल हार्ड हो चुका है। वोल्क्सवैगन का है ये, विंटो का बैठता है इसमें, देख सकते हैं। ये हमारा बेयरिंग, देख सकते हैं सेपरेट होता है ये, इसका साथ भी मिलता है। आप लोग देख सकते हैं हमारा स्टीयरिंग रैक स्कोडा रैपिड का एक्सचेंज में आ चुका है। यहाँ पर हमारा क्लच बेयरिंग, जो रिलीजर बैरिंग भी बोलते हैं, ये रिलीजर बैरिंग है हमारा, देख सकते हैं ओरिजिनल है। और लुक का क्लच है, जो ओरिजिनल में भी लुक का क्लच ही आया है, गाड़ी से जो खुला था हम लोग उसमें लुक का ही क्लच है। आप लोग को ये है क्लच, जो लुक का है यहाँ पर देख सकते हैं, एल यू के लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ है।
फ्लैट देख सकते हैं, ब्रांड न्यू, ये भी लुक का सिंबल है, देख सकते हैं। ओरिजिनल वाला क्लच देखो, आपको गाड़ी का भी क्लच दिखाएंगे, वो भी लुक का ही है। अब देख सकते हैं पुराना वाला भी जो गाड़ी से निकला हुआ है ओरिजिनल, वो भी लुक का ही है, फेदर प्लेट भी लुक का ही है, देख सकते हैं। ऑल्सो अगेन दिखा रहा है, इधर है लुक, देख सकते हैं इसमें लुक का ही बैठता है। और इसे मजे की बात ये है, ऑल्सो विंटो डीजल का ही क्लच बैठता है इसमें। यह हमारा गाड़ी का एंबल जेंट न्यू राने का एंड बल्जेंट क्लच वेरी सेट ऑफ दर बूट द्वारा हम देख सकते हैं, राइट लेफ्ट दोनों चेंज कर रहे हैं, देख सकते हैं। कब्जर किट फ्रेंड सेट ऑफ दर बूट किट लिंक रॉड वन सेट, यह हमारा ब्रेक पैड गाड़ी का, इसमें ब्रेक पैड बैठता है, इसका रैपिड पोलो ये सब गाड़ी एक ही ब्रेक पैड बैठता है, ये पोलो का ब्रेक पैड है इसमें बैठता है। फ्रेंड्स आप लोग देख सकते हैं लोअर आर्म स्टीयरिंग रैक एंड बॉल जेंट पूरा बैठा दिया गया है, असेंबल हो गया है, राइट लेफ्ट पूरा असेंबल हो गया है। अभी पहले गियर बॉक्स को चढ़ाएंगे फिर बाद में इसको फिटिंग करेंगे, देख सकते हैं। ये है वोल्ट और ये है रिप्लेसमेंट में जो आया भाई। आप लोग देख सकते हैं इसका रॉकेट का गियर बॉक्स बैठ चुका है हमारा, देख सकते हैं। अभी डाई शॉप बैठना बाकी है, चासी बैठाएंगे। आप लोग देख सकते हैं एंड बोल्ट जेंट शकअब्जर भी ये न्यू डालना पड़ा, लूज नहीं हो रहा था, ये टूट गया था। ब्रेक पैड्स भी डाल दिया हम लोग, द्वारा हम पूरा फिनिश हो गया है। स्टीयरिंग का भी साउंड सुनाता हूँ अभी, राइट लेफ्ट दोनों साइड का सस्पेंशन हो गया है, अब स्टीयरिंग का साउंड भी सुन लीजिए। ये डोर का है और ये हैंड ब्रेक का लाइट है, साउंड सुन सकते हैं, कोई साउंड नहीं। स्टीयरिंग फुल मार रहा हूँ, पहले कर 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 साउंड आ रहा था, अब कोई साउंड नहीं है। मिला जुला के हमारा गाड़ी बराबर हो गया है। तब तक अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।